एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। गर्मी से बचते बचाते सभी जिस तरह से पानी की तलाश में निकलते हैं, आज हम भी निकल पड़े हैं देहरादून की तरफ, क्योंकि ऋषिकेश में तो हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे हुए हैं वाटरफॉल्स के। यहाँ पर एक बहुत सुंदर जगह है, आप सभी ने सुना होगा नाम सहस्त्रधारा का। बहुत सारे स्प्रिंग्स फॉल्स हैं वहाँ पर, तो आज हम वहीं पर लेकर जा रहे हैं पूरे बच्चे पार्टी को। और साथ में आज हमारा टबरी भी है, आज इसकी फर्स्ट आउटिंग है, तो देखते हैं ये कितने मज़े करता है। देहरादून, मेन देहरादून से ये लगभग 11 से 15 किलोमीटर दूर है, तो आइए चलते हैं। हमने रास्ता लिया है ये माल देवता वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। तो हम बिल्कुल गाड़ी ले आए हैं आगे तक, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग पीछे ही हमें बोल रहे थे कि पार्क कर लीजिए, लेकिन अगर आपको आगे तक आना है तो गाड़ी इस तरह से फिर यहाँ लाइन में लगी हुई है, ऐसे लगाना पड़ेगा। हालांकि वो टिकट चार्जेस पहले ले लेते हैं पार्किंग के, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस बहुत है, आगे तक है, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ से बड़ी सुंदर मुझे ये रोप वे दिख रही है, और ऊपर बहुत ही प्यारा सा रिजॉर्ट दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, और रोपवे का टिकट काउंटर पीछे है। हम लोग पहले यहाँ सहस्त्रधारा जहाँ मेन हम आए हैं, तो पहले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, खाने की चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए दूर से ही हमें इसमें दिख रहा है, बहुत सारे इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, और जहाँ पर अलग अलग फैमिलीज़ ने अपने अपने, मैं तो मुझे तो ये तालाब जैसे लग रहे हैं, अपने अपने तालाब उन्होंने चूज़ किए हुए हैं। अच्छी प्लेस है, गर्मियों में यही चीज़ें चाहिए होती हैं, बट कितना हाइजीनिक है थोड़ा सा वो सोचने वाली बात है। ये बच्चों ने जाने की सोची, हमने देखा कि हमारे जो पीछे वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ही एकदम मुंह भर के, जो कहते हैं ना, वो स्पिट, गंदा वाला स्पिट, मतलब जो भी उनके अंदर खाना, उन्होंने सब अंदर इसमें पानी में। तो ये देखते हुए हम, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि बच्चों को भी नीचे भेजे। और साथ में देखो इस तरह के प्लास्टिक्स भी आप देखोगे, ये रैपर्स वगैरह भी अब पानी में ही है, सब फ्रूटी पी के यहीं डाले हुए हैं। पानी मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ से ज़्यादा क्लीन हमें गुच्छू पानी में जब हम गए थे रॉबर्ट्स के, वहाँ पे हमें फिर भी साफ मिला था, जबकि यह बहता हुआ पानी है, फिर भी देखो बहुत गंदा दिख रहा है। चलो एनीवेज, जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं। मुझे तो वो रिजॉर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं तो चल रही हूँ वहाँ पे। चले बच्चों, टबरी को भी मज़ा आ रहा है, टबरी को भी पानी में नहीं जाना गंदा पानी। सहस्त्रधारा आए हैं तो कुछ जाने वाले लोग तो मिलेंगे ही, काफी भीड़ है। सर कहाँ से आए हैं? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। मैम गाजियाबाद से आए हैं जी। पर सहस्त्रधारा के बारे में आपको पहले से पता था? हाँ पहले से पता है, काफी टाइम से आ रहे हैं हम लोग। आप बिलीव करेंगे, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे। आप पहली बार आए यहाँ पर? और उसका कारण ये था क्योंकि हम इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाना पसंद करते हैं, और लेकिन यहाँ पे भी अभी भी आके देख रहे हैं तो जिस तरह से पानी में बहुत गार्बेज दिख रहा है, और लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब बड़ा अनहाइजेनिक सा लग रहा है। ये तो, तो ऐसी प्लेसेस क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी इंजॉय कर पाते हैं। अच्छा ऋषिकेश में अगर आप जाए तो वहाँ पर नीर वाटरफॉल है, नीर वाटरफॉल है, कली हो गया है, हम वहाँ पे आपको पानी साफ मिला, पानी काफ़ी साफ है यहाँ। हाँ तो ये अच्छा है, चलिए मैं मतलब कि देखिए इसीलिए कहते हैं ओटीए एक्सपर्ट। टिकट्स ले लिए हैं हमने, ₹200 ईच टिकट काउंटर से हमें टिकट्स मिली हैं, और यहाँ से आगे एंट्री है। हम पहली बार किसी ऐसे रिजॉर्ट में जा रहे हैं जहाँ से हमें चेयर लिफ्ट में जाना पड़ रहा है। काफ़ी हाइट पे है ये, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी।
हम यहाँ बीच में आगे रुक गए और विदित को लग रहा है कि हम क्यों रुक गए हैं। विदित थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, क्यों रुक गए हम? विदित ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई बनाने की एलिफेंट, लेकिन ये कोई डायनासोर जैसा कुछ बन गया। वाओ, अच्छा रिजॉर्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जैसे हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, जो जिस तरह से पूरी ग्रीनरी है ये बहुत सुंदर लग रही है। और अभी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, मुझे ये स्पेस अवे टू स्पेस दिख रहा है, ये भी कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वाह, और यहाँ से पूरा हमें वाइड व्यू मिल रहा है, वैली व्यू। और यहाँ से हम पूरे जो जितने भी ये फोल्ड्स हैं, स्प्रिंग फोल्ड्स, ये सहस्त्र धारा के सारे हमें दिख रहे हैं यहाँ से, बहुत पीछे तक है ये। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर सिटिंग भी है और व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है। चारों तरफ हमें वैली व्यू मिल रहा है, साथ में यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो आप कुछ भी खा पी भी सकते हैं। जय साईं बाबा। साईं बाबा का बहुत सुंदर मंदिर भी है यहाँ पर, और यहाँ से भी आपको व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है। टबरी को हम कुआं दिखाएंगे, डरना चाहिए देख के। इतना सुंदर लग रहा है ये, जिस तरह से बैठी हुई है सारी लेडीज़, देखे गांव में ऐसे ही होता था, ये सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरा इवन ये पूरा आप इसे मैं क्या बोलूँ, एडवेंचर पार्क कह सकते हैं या इस तरह का, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी सारे जगह है यहाँ पर। और इस तरह से ये अलग अलग सिट आउट्स बनाए हुए हैं इन्होंने कि आप पूरे 3 से 4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। और अभी टिया विदित आके बता रहे थे कुछ स्पेस में वो घूम के आए हैं, अभी अब जाके देखते हैं क्या है वो। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह के गार्डन्स बने हुए हैं, क्या देख के आए हो तुम लोग स्पेस में? स्पेस में पूरा गोल गोल घूम रहे हैं हम। चलो यहाँ पे फाउंटेन, बहुत सुंदर प्लांट्स हैं। इनफैक्ट ये ग्रीन वाला प्लांट तो मैं कब से अपने घर के लिए ढूंढ रही हूँ। और ये तोप भी है विदित, इसे यहाँ बिठाते हैं। ओए ऐसे विदित के माइंड में ये ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं, कहाँ से विदित? मैं और टबरी भी आ गए हैं। ये तो ऐसे लग रहा है हम घूम रहे हैं, हम इधर स्पेस में घूम रहे हैं, दैट्स नाइस। टबरी को भी मजा आ रहा है इसमें, वो स्पेस वाला आया, स्पेस वाले में आया वहाँ। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आया स्पेस में, स्पेस में घूम के। वैसे भी तो बहुत बड़ी जगह है, इनफैक्ट आप यहाँ आएंगे तो आपका काफी टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। मुझे लगा था यहाँ पे रूम्स भी होंगे, बट फिर जब मैंने पूछा इन्होंने तो इनके रूम्स नीचे ही हैं यहाँ पर। ये पूरा इस तरह का इन्होंने एडवेंचर पार्क टाइप बनाया हुआ है विद रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ पर आके खाना भी खा सकते हैं और आराम से 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सहस्त्रधारा से ज़्यादा लोग यहाँ आते होंगे। अच्छा चलो, भैया ने हमें जानकारी दे दी है यहाँ पर एसी रूम्स हैं जो 2000 रुपीज से स्टार्ट हैं। इस रिजॉर्ट का नाम ही सहस्त्रधारा रोपवे है। यहाँ से देखिए रास्ता है एक छोटा, सामने प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर सहस्त्रधारा। यहाँ पर एक ओरिजिनल स्रोत है पानी का, कि आप किसी भी मौसम में आए यहाँ पर आपको हमेशा वहाँ पर पानी बहता हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये शॉप्स बनी हुई हैं, और यहीं से आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये पानी का स्रोत हमें दिख रहा है। देखिए ये है वो स्रोत, ये किसी, नमस्कार जी, हाँ जी, आप देखते हैं हमारा चैनल जी? मैं, धन्यवाद। मैंने सुना है इसके बारे में कि यहाँ पर किसी भी मौसम में आए ये हमेशा दिखता है हमें बहता हुआ। नहीं, मैं भी पहली बार आया। अच्छा चलिए, लेकिन ये हमें बताया गया है तो इसकी यही मान्यता है कि यहाँ पर आप किसी भी मौसम में आए ये हमेशा बहता हुआ मिलेगा आपको। हाँ। ये नेचुरल सोर्स है, अच्छी बात बताई हमें। देखिए और ये बहुत ऊपर से है, यहाँ पर श्री द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और यहाँ पर सैकड़ों धाराएं हैं, इसीलिए इसका नाम सहस्त्र धारा है। बहुत सुंदर है।
गुफा जहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने बैठकर तपस्या की थी भगवान शिव की। जय भोलेनाथ। देखिए ये है असली गुफा, पानी आप देख रहे हैं टपक रहा है किस तरह से। ये नेचुरल सोर्स है और ये हमेशा टपकता रहता है, चाहे आप किसी भी सीजन में आए। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, ये तो पापा के फेवरेट चीज़ मिल गई तुम्हें, वाह, ये ज़रूर खाएंगे हम। भैया गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खिलाओ। अच्छा गर्म वाले, हाँ जो बन रहे हैं ना भाई। हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमारी नज़र सबसे पहले हमारे कंटेंट पे पड़ जाती है। हमें देखिए यहाँ भी GMVN का ये गेस्ट हाउस है और यहाँ रहने के अच्छे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है तो यहाँ पर आप आकर रह सकते हैं। और साथ में मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जिस तरह से गुफा बनी हुई है। गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का इंतज़ार है, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं सब। हाँ चटनी कौन सी वाली, मोमो वाली। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है आज। पप्पी के देखो, टबरी के बहुत फैंस आ गए हैं यहाँ पर। आ जाओ बेटा, मिल लो टबरी से। ये हमारा हीरो है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप देहरादून की लोकेशन में सर्च कर रहे हैं कुछ, तो ये एक पिकनिक स्पॉट अच्छा बन सकता है आपके लिए। और बहुत सारे ऑप्शंस हमने आपको दिखाए हैं। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओके एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो नए डेस्टिनेशंस पर। जय माँ गंगे हर हर गंगे।